अयोध्या में आज विश्व हिंदू परिषद के अवध प्रांत की दो दिवसीय योजना बैठक शुरू हो रही है। बैठक जो खबरें आ रही उसके मुताबिक मुख्यालय कारसेवकपुरम में शुरू होगी। कारसेवकपुरम में यह बैठक होने जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के 22 जिलों के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। राम महोत्सव मनाने पर बैठक में चर्चा होनी है। बीएसपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की दो दिवसीय ये बैठक आज दोपहर के बाद में तीन बजे इस बैठक को शुरू होनी है। कल शाम 4 बजे बैठक का समापन होना है। तो बीएसपी ये अपनी बैठक करने जा रही है। राम महोत्सव मनाने पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ फुलान के जरिए जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक दो दिवसीय बैठक है। जी हाँ बिल्कुल, ये दो दिवसीय बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने की बात सामने आ रही थी रामनवमी पर, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद रामनवमी पर श्री राम महोत्सव मनाने जा रही है, और जिसको लेकर कम से कम कई लाख स्थानों पर यह आयोजन होगा। एक साथ आयोजन ये किए जाएंगे। राम मंदिर निर्माण का कार्य भी माना जा रहा है कि उसी समय शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और ये अवध प्रांत की बैठक है, इसी अवध प्रांत के अंतर्गत ये अयोध्या भी आता है, इसीलिए ये विशेष महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें कई निर्णय होंगे कि अयोध्या में किस प्रकार से महोत्सव का स्वरूप होगा या अन्य स्थानों पर किस प्रकार से इसका स्वरूप दिया जाएगा। प्रकाश जी, इस महोत्सव के साथ साथ राम मंदिर के निर्माण को लेकर के भी किसी किस्म की कोई चर्चा होनी है? जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही फैसला आ गया था, फैसला आने के बाद ट्रस्ट निर्माण शुरू हो रही थी, उसके बाद अयोध्या के संत विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी मांग उठाई चुके हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि पर अगर होना है तो राम महोत्सव और राम नवमी, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव माना जाता है, इसलिए सभी का मानना है कि श्री राम महोत्सव को लेकर रामनवमी पर अगर यह आयोजन होगा तो कहीं ना कहीं एक भव्यता और एक धार्मिक आयोजन के तहत ये देखा जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत जल्द ही ट्रस्ट निर्माण के बाद इसका योजना पर भी मोहर लगाया जा सकता है। तो आप निगाह बना के रखें, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए।